बच्चों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 3 करेंगे, जिसका नाम है कोशिका। अब कोशिका में हम यहाँ पर दो तरह की कोशिकाएं पढ़ेंगे, जंतु और पादप कोशिका। अब रीना नाम के बच्चे ने अपने घर के यार्ड में पार्क में क्या देखा? उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें देखी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सजीव और निर्जीव। तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे कीड़े, तितलियाँ, यहाँ तक कि दोस्त सभी जीवित प्राणी हैं, उसका इन चीज़ों पर ध्यान गया। और चारों तरफ उसने देखा कि सभी पौधे, पेड़ और झाड़ियाँ भी देखी, और उसने महसूस किया कि सभी चीज़ें जीवित हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उनकी मूल संरचना सभी की कोशिकाएं हैं। तो कोशिका दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और उसने ध्यान दिया कि उसकी क्लास में जो चार्ट लगा है उसमें दो कोशिकाएं हैं, एक जंतु है और एक पादप कोशिका है। तो आइए जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है जंतु और पादप कोशिका के अंदर। सबसे पहले जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का चित्र आपको कॉपी में बनाना है और लेबल भी करना है। पादप कोशिका क्या है? जिसमें कोशिका भीति पाई जाती है, जो बाहरी कवरिंग है वो कोशिका भीति कहलाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप में हरित लवक पाए जाते हैं लेकिन जंतु में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते पादप में, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, एक या दो होंगी, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं, संख्या ज़्यादा होती है लेकिन छोटी होती है। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, लेकिन अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक केंद्रक के अंदर ही होते हैं, बीच में ही होगा। तो ये वर्कशीट है, इसके आधार पर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाएं, जो मैंने पहले बोला आपको, उनको लेबल भी करें। जंतु और पादप कोशिका में तीन अंतर बताएं। क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? जो कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल, जो कि पादप कोशिका के अंदर मौजूद होता है। नाउ द वर्कशीट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 3 एंड इट्स नेम इज सेल। नाउ रीना इज अ स्टूडेंट एंड ही वॉज प्लेइंग इन आर बैकयार्ड एंड ही सॉ मैनी थिंग्स अराउंड हर। सम आर लिविंग, सम आर नॉन लिविंग। देन शी फोकस्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। शी सॉ स्मॉल इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ऑल ह्यूमन बींग्स एंड फ्रेंड्स, दैट दे आर ऑल आर लिविंग। But she saw also some plants, trees, bushes around her and realized these are also living too. But what is the main difference between plants and animals? Then he realized that there is a chart hanged on the classroom, and then she realized that there are the two types of the cells. One is plant cell, other is animal cells. Now these are the two pictures that you have to draw in your notebook. One is a plant cell, other is animal cell. Now, what is the main difference between animal and plant cell? Let's see. Animals have generally, cell is generally small, but plant cells are larger than animal cell. Cell wall is absent in the animal cell and cell wall is present in the plant cell. Plastids, not present in the animal cell, but present in the plant cell. Vacuoles are smaller in size or absent. Vacuoles are larger in size. So these are the differences between plant and animal cell, and then on the basis of the worksheet you have to do these questions in your notebook. First of all, draw a label diagram of the plant cell and animal cell. Now second is state three difference between animal and plant cell. Third question, in which cell is chloroplast present? I hope you understand the difference between plant and animal cell. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.